Welcome back to my YouTube channel. Hi guys, मैं हूँ हर्षिता, इनोवेटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक DIY लेके आई आज मैं जो DIY लेके आई हूँ जो कि मेरी बची हुई कपड़े की मैं बनाऊंगी एक पोटली बैग। आप देख सकते हैं ये फ्रिल है जो कि मैंने 1.5 ईयर्स पहले मैंने एक फ्रिल साड़ी बनाई थी, तो उससे जो बचे हुए कपड़े हैं आज मैं उसी का एक हैंड बैग बनाऊंगी। आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें अपना बैग बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, देख सकते हैं, और हमने इसी के मैचिंग का लाइनिंग लिया है। मैचिंग का ही हमें थ्रेड चाहिए और इस तरह का लेस चाहिए डोरी इंसर्ट करने के लिए, और हमें कैनवास चाहिए। हमने एक पेपर लिया है, उसे हमने दो फोल्ड में किया है। हमें एक गोटा पट्टी चाहिए जो इस तरह से आएगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने पेपर को कट करेंगे, लंबाई हम 11 इंच का लेंगे एंड चौड़ाई 4 इंच का लेंगे, ऊपर से भी हम 4 इंच नापेंगे। नीचे से हम 8 इंच लेंगे, इसे हम यहाँ से फिर वापस 3 इंच लेंगे, 3 इंच इसे एक सीधा ड्रॉ करेंगे। हमारा इस तरह से ये बॉक्स बनेगा, इसे हम इसे थोड़ा राउंड शेप में देते हैं एंड इसे भी थोड़ा सा। कटने के बाद ही हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, हमने जो राफ्टिंग काटी है उसके ऊपर ही हमें इसे अच्छे से सेट करना है। ये मेरी साड़ी से जो फ्रिल बची हुई थी मैं उसी को ही ऐड कर रही हूँ, और दूसरा हम इस साइड से रखेंगे। इस तरह से लगाने के बाद इसे स्टिच करके अच्छे से फिक्स कर लेंगे। हमें इसका 2 सीट काटना है, यह है, ये भी 2 सीट है। अपने लाइनिंग के ही फैब्रिक पे ही हम फ्यूज पेपर को प्रेस करेंगे, इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे आयरन की मदद से। हमने अपना दोनों पार्ट ले लिया है लाइनिंग का, हमें यहाँ पे इतना पार्ट करीब 2.5 इंच, कितना हमने 3 इंच का बीच में सेंटर में हमें छोड़ देना है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है। ये साइड हम ओपन ही रहने देंगे और हमें इस साइड को भी ओपन ही रहने देना है। हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लिया है इस तरह से, 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे। ऊपर से हम 2 इंच लेंगे, इंच के बाद हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर से हमने 2 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद 1/2 इंच और निशान लगाया। हम इस निशान को इस साइड भी रखेंगे, 2 इंच 1/2 इंच। हम यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेंगे, फिर यहाँ से ये पूरे सर्कल को सिल लेंगे यहाँ तक, यहाँ से फिर इसको यहाँ तक सिलना है। इस साइड को हमें ओपन ही रहने देना है दोनों साइड, और ऊपर के साइड भी हम ओपन ही रहने देंगे। हमने दूसरे पार्ट को सिल लिया है, आप देख सकते हैं, इस साइड से हमने इसे ओपन ही रखा है और ये साइड भी हमारा ओपन ही है। हम अपना गोटा पट्टी लेंगे, इसे हाफ फोल्ड करेंगे
हाफ फोल्ड करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे गैदर्स करेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं करनी है। हमने जहाँ पे अपने दूसरी साइड निशान डाला है इस तरह से, इस निशान पे ही हमें अपनी ये गोटा पट्टी अटैच करनी है। अंदर के साइड हम इसे रखेंगे, इसी निशान से ही हमें इसे अटैच करनी है राउंड में पूरे सर्कल। इस तरह से आके यहाँ पे इसे ख़त्म करनी है। हमने बैग को पूरी तरह से सिल लिया है, हम देख सकते हैं। हमने जो साइड का सेंटर का पार्ट छोड़ा था उसे भी हमने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है इस तरह से। हम इसको सीधा रखेंगे, अपने दूसरे पार्ट को लेंगे उसे साथ रखेंगे। ये हमारा सीधा और अंदर का पार्ट हमारा सीधा है। हम इसे अंदर से अंदर हम सेट करने के बाद इस राउंड को पकड़ेंगे। इस तरह से हम इसे बराबर करके चारों तरफ से सिल लेंगे। हमने पूरी तरह से इसको स्टिच कर लिया है राउंड में। अब हम बैग को सीधा करेंगे। तो हमारा जो ये ओपन साइड था, जो हमने ओपन रखा था, इस साइड से अब अपने बैग को सीधा करेंगे। सीधा करने पे हमारा बैग कुछ इस तरह से दिखेगा। अब अपने इस साइड पार्ट को अंदर डालेंगे। हम देख सकते हैं हमारा बैग इस तरह से आ जाएगा। अब हम इस पर एक सीधा सिलाई डालेंगे, जो कि हमारा ये जो हमारा ओपन साइड है इसे छोड़ के इस साइड से यहाँ से इस पार्ट को और यहाँ से इस पार्ट को दो सिलाई डालेंगे। दोनों सिलाई को हम सीधा सीधा स्टिच कर लेंगे इस साइड से भी, यहाँ पे भी, यहाँ से इतना। हमने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। इस साइड भी हमने कर लिया है सिलाई। अब हम डोरी बनाएंगे। हमने दो राउंड में डोरी ली है, हम इसे नाप लेते हैं। ये हमारा 17 इंच की डोरी है। हम इस डोरी को बराबर करके इसके कॉर्नर में जो हमारी फर्स्ट सिलाई है यहाँ पे हम इसे टक करेंगे इस तरह से रख के। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से अपनी डोरी को टक कर लिया है। अब हम सेंटर में डोरी डालेंगे। उसके लिए हमने दो डोरी ले ली है। इसकी लंबाई 13 इंच है। हम डोरी इंसर्ट करने के लिए सेफ्टी पिन लेंगे इस तरह से। हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इस साइड से हम डोरी डाल के इस साइड पे हम निकालेंगे। हमने जिस साइड से डोरी डाली थी उसी साइड से हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इस साइड से भी डोरी डालेंगे। अच्छे से इंसर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। एक डोरी इस साइड है और एक डोरी इस साइड है। हम दोनों डोरी को एक दूसरे को पकड़ के अच्छे से नॉट देंगे। हम टेसल्स बनाएंगे। टेसल्स बनाने के लिए हमने गोटा पट्टी यूज किया है, उसे हमने रफली स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। हम इसे गैदर्स करेंगे इस तरह से। हम इसको गैदर्स करके हमारी ये जो डोरी है इसके इस यहाँ पे हम इसे अच्छे से टक करेंगे इस तरह से, फ्लावर बना के इस तरह से। बैग पूरी तरह से रेडी हो गया है। टेसल्स भी लगा लिया है इजीली, हम देख सकते हैं। फ्लावर बना के हम देख सकते हैं अंदर के साइड से हमने अच्छे से फिट कर लिया है। ये डोरी है, हम इसे अच्छे से वाह।
बनने के बाद हमारा बैग कुछ इस तरह से दिखेगा।